इधर भारत को 3 और राफेल मिलने से कैसे दहशत में है चीन, पाकिस्तान दगाबाज चीन के एलएसी पर क्या है नई साजिश और पाकिस्तान ने अब किसे बताया भारत का जासूस, सन की मुल्कों की साजिशों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से 7000 किलोमीटर तक का सफर नॉनस्टॉप पूरा कर भारत पहुंच गए हैं। उड़ान के दौरान तीनों राफेल में यूएई के एयर फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के जरिए ईंधन भरा गया। इसके साथ ही वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल की संख्या 11 हो गई है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील हुई है। बातचीत की आड़ में चीन लगातार पीएलए की तैनाती एलएसी पर बढ़ा रहा है। अब रेड आर्मी के 3000 जवानों को एलएसी पर भेजा गया है। इन जवानों की तैनाती तिब्बत रीजन में की गई है। चीन की सरकारी मीडिया पर पीएलए के इस डिप्लॉयमेंट का वीडियो जारी किया गया है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीनी सेना ने यहां युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में घुसाया था। हालांकि चीन ने इसे रेगुलर मूव बताया है। चीन ने भारत में ऐप बैन होने से अपने नुकसान होने की बात कबूल कर ली है। चीन ने कहा कि भारत सरकार के 59 चीनी ऐप पर बैन जारी रखने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इससे हमारी कंपनियों को नुकसान होगा। इस बीच टिकटॉक और हेलो ऐप ने भारत में अपने कारोबार को बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ असद दुरानी को भारतीय जासूस बताया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने को कहा है। पाकिस्तान ने कहा कि असद दुरानी 2008 से ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ संबंध में है। वे पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले साल सिखों पर आतंकी हमले करने वाला हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के अलकायदा के साथ नई यूनिट बनाने पर चर्चा कर रहा है। ये खुलासा अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने किया है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का दाया हाथ बताया। इमरान को डर है कि कहीं चुनाव में उनकी पार्टी के नेता धन के लालच में विपक्ष के हाथों बिक न जाएं। इसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए इमरान सरकार ने संविधान में संशोधन करने का फैसला लिया है। चुनाव में इस खरीद फरोख्त और धांधली को रोकने के लिए इमरान सरकार जल्द ओपन बैलेट से चुनाव कराने का विधेयक पेश करेगी। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अब विश्व बैंक के सामने झोली फैलाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से 12 अरब डॉलर कर्ज की गुहार लगाई है। एक तरफ पीएम इमरान को उम्मीद है कि कर्ज मिल जाएगा, वहीं वर्ल्ड बैंक की तरफ से कर्ज देने का कोई वादा नहीं किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने में इमरान सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। यहाँ हालात बद से बदतर हैं। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री असद उमर ने कहा कि देश में अगले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कोरोना वेलेंट चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की 5 लाख डोज दान में दी है।